क्या कहते हैं हिना परवेज के बयान पे? ऐसा बयान उसको नहीं देना चाहिए। देखो बिल्कुल सही है, इमरान खान साहब कोई आम बंदा नहीं है, उसके लिए हर बंदा निकले, बच्चा बच्चा निकले, अपनी जान कुर्बान कर। अरे क्या बात है, अपनी जान कुर्बान, आप ही निकलेंगे हिना भट्ट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जान अल्लाह पाक को देनी है, ये जूटे ट्यूटर से कुछ नहीं बनता, और आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आपके भी बच्चे होंगे। इमरान मेरा फेवरेट है, लीडर है, हीरो है, ये जीरो है। हिना परवेज मैं किसी औरत का नाम लेता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंशाल्लाह आजादी मार्च है, और ये इंशाल्लाह हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा मुआहिदा हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, और इमरान खान वो शख्स है अमेरिका में बैठ के इसने ये कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये लॉन्ग मार्च है, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन ये डंडा ये मैं इस स्टाइल में क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि हिना परवेज भट्ट का जब भी कोई ट्वीट आता है मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम जो है ना हिना परवेज भट्ट साहबा वो बड़ा अजीब व गरीब से ट्वीट करती हैं, कह रही हैं कि ये इमरान खान जो निकले हैं ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये शॉर्ट मार्च है, और जिस पर ना उनके जालों ने ये कहा इमरान खान के कि हम ना किसी बिरयानी के लिए निकले हैं, ना किसी पैसों के लिए निकले हैं, हम सिर्फ मुल्क की कुर्बानी के लिए निकले हैं, हम कुर्बानी देने के लिए निकले हैं। ये हिना परवेज भट्ट को जवाब दे दिया उन्होंने, और हिना परवेज भट्ट ने ऐसा जवाब क्यों ये ट्वीट क्यों किया है कि ये शॉर्ट मार्च है भाई, शॉर्ट मार्च, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये शॉर्ट मार्च। फिर साथ रही मैं समझे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शहजाद है जी। सज्जाद? शहजाद, 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 शहजाद। अच्छा शहजाद, हाँ जी। मैं वो शीन अट जाती है, कभी हो जाती है उम्र के हिस्से से ना। अच्छा अच्छा जी, क्या कहते हैं ये जो बयान दे रही है? बात सुनो, मैं मेरी बात सुनो, बतो मंतोषा बतुल मंतोषा, जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जल्लत दे, बेशक। बात सुनो, रात को एक इलेक्शन हुआ था, यहाँ हुआ था ना इलेक्शन, जे 14 थे वो अकेले था। आए, आए, आए। देखो मेरे अल्लाह की शान है जी, क्या बात है, वो 14 था वो अकेला था, वो कहता है इसके साथ सब कुछ है, मेरे साथ अल्लाह है मेरा, आए आए, बेशक अल्लाह सबके साथ है जी। वो कहाँ गए वो टांगे कांपे कांपती, कहाँ गया वो, वो कहाँ गया कांपे कांपती, है वहाँ से लॉन्ग मार्च करते आया था, हाँ जी अब फतेह करने आया था, तो अब कहाँ वो मर गए, अच्छा अब वो फजलुरहमान कहाँ गए, अब मैं गया के दूध की नहरे में बाते। इमरान मेरा फेवरेट है, लीडर है, हीरो है, ये जीरो है। हिना परवेज मैं किसी औरत का नाम लेता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इब्राहिम। जो जैकेट तुम खुली होगी जे मेनू दे दियो, ओ यार खुदा दा खौफ किस किस्म दे खौफ। अच्छा अब मैं सिगरेट लगा के पीछे तो मुझे पेश कर रहा है यार, ठीक है, कैसा खराब तमाकू वर्गा मुंह कर लिया अपना, हिना परवेज भट्ट साहिबा कहती हैं कि ये शॉर्ट मार्च है, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, लेकिन जानों ने कहा है कि ना हम बिरयानी के लिए निकले हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी के लिए निकले हैं। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंशाल्लाह आजादी मार्च है, और ये इंशाल्लाह हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा मुआहिदा हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, देखें इंशाल्लाह ताला ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये इंशाल्लाह हमारे आने वाले नस्लों के लिए है, उनके मुस्तकबिल के लिए है, और इंशाल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द नया पाकिस्तान बनेगा। और एक और बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुने, सारा कुछ मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला ये जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी करप्ट अल्फाजात, जितने करप्शन कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये एक मुख्तसर वक्त के लिए है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इंशाल्लाह ताला इमरान खान कभी झुकने वाला नहीं है, कभी कभी किसी के आगे रुकने वाला नहीं है, और इंशाल्लाह ताला ये खुद भी हीरो है, और इंशाल्लाह ताला अपने कौम को भी हीरो बनाएगा। अरे क्या बात, बीच में वो नहीं कहा आपने घबराना नहीं। हाँ सबसे पहले आप लोग सुने, सबसे पहले
आप लोगों ने घबराना नहीं है। और इमरान खान वो शख्स है अमेरिका में बैठ के इसने ये कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, नहीं ना प्रवेश भट्ट को ऐसा ट्वीट करना चाहिए था, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें मेरी बात सुने, बिल्कुल सही है। हर पाकिस्तानी को इस बात के पीछे शोक मनाना चाहिए। क्या हाल है भाई जान? अल्लाह का करम, माशाल्लाह पूरे खड़े ही लग रहे हो। जी 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 सही गल है, पूरा खिलर के बैठे। जी जी, शुक्रिया। ते की बेहतरी होएगी थले स्टूल दे। ओदा सा नहीं निकल रहा बेचारे का। क्या कहते जी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कह रही हैं सब कुछ के ये शॉर्ट मार्च है और ये लॉन्ग मार्च नहीं है, फला नहीं है, क्या कहते हैं आप? और ये जाले कहते हैं कि हम ये बिरयानी के लिए नहीं निकले, कुर्बानी के लिए निकले हैं। ये जो है ना हिना परवेज़ भट्ट, हाँ ये लॉन्ग मार्च है, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल कामयाब होगा इंशाल्लाह। सर नाम बताए अपना। शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान साहब मुझे ये बताइएगा, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये थोड़ा गिफ्ट किया थोड़ी देर के लिए, बाद में वापस भी ले लिया। कितने बदीद आदमी आप, ये नहीं कहा कि आपने रखो यार ये नहीं कह रहे हैं आप, नहीं हैरान कुन बात है, कंजूस तरीन आदमी निकले हैं आप। मैं आपको हैरान हो गया हूँ आपकी ये बात सुनकर। आप दोबारा मेरे सर पे रख दें प्लीज, ये अब आपको कसम है उतारिएगा ना, ठीक है ना? ये आपको मैंने कसम दे दी है, उतो जाके नमी लो, मेरा कोई रज नहीं है दोष, ठीक है ना? ताड़ी उन जिम्मेदारी तुसी नमी लेने की नहीं लेने। क्या कहते हैं हिना परवेज के बयान पे? ऐसा बयान उसको नहीं देना चाहिए। देखो बिल्कुल सही है, इमरान खान साहब कोई आम बंदा नहीं है, उसके लिए हर बंदा निकले, बच्चा बच्चा निकले, अपनी जान कुर्बान कर। अरे क्या बात है, अपनी जान कुर्बान आप ही निकलेंगे इंशाल्लाह। जान है केड़ी जेड़ी कुर्बान कर रही है? नहीं नहीं फिर नहीं, होते हैं मजबूत आदमी होता है जेड़ा इंज दा हुंदा ना, मजबूत हुंदा है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। सर नाम बताए अपना। सज्जाद। सज्जाद, सज्जाद भाई मुझे ये बताइएगा, ये ना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं ये बड़े ट्वीट करती हैं, और अब भी बड़ा अजीबोगरीब सा ट्वीट किया है कि जी शॉर्ट मार्च है, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, इमरान खान जो निकला है, और जालो ने कहा कि हम बिरयानी के लिए नहीं कुर्बानी के लिए निकले हैं, हकीकी जंगे आज़ादी के लिए निकले हैं। ठीक किया उन्होंने, जालो ने ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हाँ जाले ठीक है, इस टाइम जो बंदा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हर बंदा हालात ही ऐसे हो गए। की हाल है बाबा जी? मैं ठीक हूँ जी। की गल है, क्यों फिरी जाते हो राजा बाजार? राजा बाजार मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा काम कर दो, शुक्र है। नहीं तो डर के बाबे उंज भी फिर रहे होंगे ने अखा ठंडिया कर। लोडर चिंची चलाता हूँ। लोडर चिंची चलाते हैं, गुड, मेहनत करते हैं अभी भी। मेहनत करते हैं। तो बच्चे कितने आपके? भट्टो साहब के थे, दौड़ से लेके अभी तक मैं मेहनत करता हूँ। मेरा नाम है बादशमीर खान खटक, मैं क्वाड का हूँ, खटक हूँ। और परवेज खटक साहब का कोई रिलेटिव? परवेज खटक साहब का हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं, बस मेरा नाम है बादशमीर खान खटक। और मैं कहता हूँ कि सारे आपस में मिल कर आपस में इत्तेफाक नाल रह के और पाकिस्तान के आवाम का खिदमत सारे पार्टी मिलकर करें, और एक दूसरे किसी के साथ नाराजगी ना करें। और अच्छा इस तरह आपस में मिल के और पाकिस्तानी आवाम को नौकरियां दवाओ। और मेरे तरफ पटो दौर दे जे तुसी अल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन खान नाम। आपका सर नाम क्या है? नईम नाम है। नईम भाई, मोहसिन भाई ये सब कह रहे हैं आप टिकटॉक बनाते हैं। जी बनाता हूँ, आपको पता है सब टिकटॉकर हैं आप, कहते हैं बहुत। तो क्या टिकटॉक का कुछ सुनाएं पहले? टिकटॉक तो माशाल्लाह बनानी चाहिए, लेकिन एक अच्छी सी सुनानी चाहिए। हाँ। अभी तो हम कारोबारों में है, वो शेयर वगैरह इस टाइम कोई जेन में नहीं है यार। कोई हल्की सी टिकटॉक तो बताए ना। तो टिकटॉक है मेरी आईडी है मोहसिन खान, मसन ताडी मशहूर है, तुसी टिकटॉक बना रहे हो? नहीं आईडी सोनी मशहूर बननी चाहिए। मशहूर असली नहीं है, क्यों है नू लीग पार्टी ने मैं पीटीआई यार
लेकिन आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। वो हमारे भाई है जी, हमारे काबिल एहतराम, इनके साथ ना रह तो क्या कहते हैं। हिना परवेज भट्ट जो है ऐसे ट्वीट क्यों कर रही है? बस ये ट्वीट तो टाइपिंग है, किसी का हाथ नहीं रोक सकते, जो करना चाहे जो मर्जी लिख ले, बिल्कुल सही है। बाकी वो ना वही है जो आवाम के सामने जो सच दिखता है इंसानों को वही बिकता है। बाकी हमारा लीडर निकला हुआ है, इंशाल्लाह हम भी फुल तैयारियों में है, फुल तैयारियों आग के साथ साथ देना, चाहे वो नून लिखा हो चाहे वो पीटीआई। जियालो ने जो कहा कि जी हम ना बिरयानी के लिए नहीं निकले, हम कुर्बानी के लिए निकले हैं, बिल्कुल ठीक कहा ना उन्होंने। हिना परवेज भट्ट को रोटी तो उसको भी मिलनी है, कीड़े पेट उसके अंदर पत्थर के अंदर होता है, अल्लाह पाक ने उसको भी रोटी नसीब कर दी है, बेशक। तो रोटी के लिए कौन रोड पे निकलता है? ठीक है, इंसान निकलता है अपने मुल्क के बचाने के लिए और अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए। अरे वाह, ठीक है। अब इस उम्र में अभी मैंने कोई तालीम नहीं किया, लेकिन इतनी सेंस रखता हूँ कि जो हक का साथ देना इंसान को उसके साथ चले। सही बात है, सेंस तो आप रखते ही होंगे, जाहिर है बाल अगर रखे ना तो सेंस भी रखी। और ये बात कहना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि हमेशा सच और अच्छे का साथ दे, ये ना सोचे इमरान खान है फलाना टिमकाना है जो भी है। अरे वाह क्या खूबसूरत बात की है कि अच्छे का साथ देना चाहिए, अच्छे का साथ देना चाहिए। देखिए एक पैगाम हिना परवेज भट्ट को दे दे, हिना भट्ट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जान अल्लाह पाक को देनी है, ये झूठे ट्यूटर से कुछ नहीं बनता, और आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचे, आपकी भी बच्चे होंगे। बिल्कुल सही है, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ऐसे ट्यूट नहीं करने चाहिए। बहरहाल खान साहब निकले हैं और जियाले भी निकले हैं कुर्बानियाँ देने के लिए। हमारा काम भी यही होता है कि आप तक लोगों के कमेंट्स पहुँचा दें। लोगों के कमेंट्स आपने सुन लिए, हमारा काम है आपको हंसाना, आपके चेहरे पर हंसी लेकर आना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है, बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, नहीं तो स्क्रीन ऐसी रहेगी। ससुरा आपके साथ है।